नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा लगातार सरकार पर हमला जारी है। लगातार तेजस्वी यादव के द्वारा टूटकर सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। कई अपराध और पुल गिरने के मामले को लेकर के नेता प्रतिपक्ष के द्वारा ट्वीट किए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू कोटे के अल्पसंख्यक समाज विभाग के मंत्री जामा खान ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। तो अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है, क्या हो गया? कंसर्न साहब ने पता नहीं सकता है। तेजस्वी यादव का ट्वीट आया है, पुल जो गिरा था उसमें जो लेकर ट्वीट आया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है 20 साल से एनडीए सरकार बिहार में है और बिहार में भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अपराध का जो है बढ़ावा मिलता है। इतिहास गवाह है, उनका परिवार ने कभी कोई काम तो किया नहीं है, उनके माता पिता बिहार में कैसे बिहार को चलाए हैं किसी छिपा हुआ नहीं है। आज चुनाव सामने है, तरह तरह की आलोचना उनको करना है, काम तो करना जानते नहीं लोग, उनका पूरा प्राइवेट कंपनी जो आप जानते हैं तो आलोचना करते रहते हैं, इसका जवाब जनता देगी, मैं यही कहूँगा। उनका बहुत चीज़ों का जवाब देना भी उचित नहीं है, चूँकि कोई मतलब ही नहीं बात करने का, कब क्या कहते हैं कब क्या कहते हैं आप भी जानते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि 25 के चुनाव में लोग हड़बड़ाया हुआ है, लोग जानता है, इन लोगों की जमानतें जब्त हो जाएगी। नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम किया है, विकास किया है, सौहार्द और प्यार साथ बिहार को रखा है, संविधान के मुताबिक बिहार को चलाया है, हर समाज के लोग बिहार में हमारे नेता से प्यार करते हैं, पूर्ण बहुमत से मेरी सरकार बनेगी, नेता के नेतृत्व में वो लोग परेशान हैं। सर, बीमा भारती ने जब उनके अगर कुर्की हुआ तो कहा है कि हम एनडीए बनेंगे, जदयू के एक एक नेताओं की बोल बोल देंगे, नीतीश से लेके लेसी से, तो इसमें कहाँ कुछ मना कर रहा है, कोई सी बातें हैं? मेरे नेता तो बराबर कहते हैं कि जो भी लोग गड़बड़ होते हैं, गड़बड़ रहेंगे, उन पर कार्रवाई की जाती है, हमारे अधिकारियों को हमारे नेता निर्देशित करते रहते हैं, ये कहने की क्या बात है, बताएं। हो एनडीए में क्या सपोर्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बैठक करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे कल, और गया डोबी के लिए मार्ग के निरीक्षण करने जाते हैं, पथ निर्माण मंत्री नहीं रहते हैं। ऐसी कोई बातें नहीं, आप जानते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, एनडीए ने मिलकर बिहार का विकास किया, बिहार का सम्मान को आगे बढ़ाया, जो आप भी जानते हैं। रही सवाल कभी ऐसी होती है, कभी मीटिंग वीटिंग है, कभी और किसी की मीटिंग होगी, वो चले गए वो अलग बात है, लेकिन एनडीए में सब ठीक ठाक है, लंबा परिवार, बड़ा परिवार है, कभी वैसा होता है कि आदमी समय से नहीं पहुँच पाता, वो अलग बात है, लेकिन हमारे नेता ने इस बात को बिहार के अंदर ध्यान रखा है कि बिहार के अंदर सौहार्द, प्यार और सम्मान के साथ विकास हो। सर पेपरों में आज छपा है कि नीतीश जी बैठकों में भाजपा नेताओं को नहीं बुलाते। ऐसी कोई बातें नहीं, पेपर मीडिया के साथ ही जो भी बोल लें, जो भी कहें, बात की बात है, ऐसी कोई बातें नहीं है। हमारे नेता बिहार के अंदर सिर्फ काम करना जानते हैं, सबको निर्देशित करते हैं, तमाम मंत्री लोगों को, तमाम एमएलए लोगों को, और उनसे बिहार के अंदर काम लेते हैं। सर, अशोक चौधरी का एक बयान आया है जिसमें ट्वीट उन्होंने किया है कि उनकी उम्र हो गई है और उनको छोड़ दिया है। किसको? ये मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने ये कहा है। कहाँ कहा है? तो ऐसी बात तो नहीं, आप पहली बार में सुन रहा हूँ, आप मुझसे क्या क्या बात बोलते हैं आप लोग, भाई कहाँ आया है? आप दिखा दें इस चीज़ को, बड़े भाई अशोक चौधरी जी कहे हो तो मैं नेता को, अरे मैं नेता के नहीं, ऐसा नहीं होगा, उनके ऊपर नहीं हो सकता है। और नेता नीतीश कुमार जी जितने भी लोग हैं उनसे प्यार करते हैं, उनके काम, हमारे बिहार में जो काम हो रहा है सबको आप देख रहे हैं, सारे मंत्री सारे एमएलए उस काम पे लगे हुए हैं, सबको मिले काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कहाँ से पैदा हो जाती है, मैं नहीं समझ में आता, ऐसी कोई बात ही नहीं है। सर, जमीन सर्वे को लेकर 3 महीने का समय बढ़ाया गया है, इसमें अभी कुछ आरोप लगा रहा है कि लोगों को समझ में आ गया ताकि परेशानी हो जाए, 25 की जनता ये बताइए, कोई काम बताइए अभी तक, बता दिए कोई काम विपक्ष करता हो या अच्छा कर रहे हैं अभी बता दीजिए, विपक्ष को हम नाम लेते हैं बार बार, कोई मतलब नहीं है। ये बिहार सिर्फ नीतीश कुमार जी ने बिहार को संवारा है, फिर बिहार को विकास किया है, मैं बराबर कहता हूँ, बिहार के अंदर छोटी लकीर हो बड़ी लकीर हो किसी और का नहीं है, नेता नीतीश कुमार जी का देन है, आपसी भाईचारा सौहार्द, ये लोग तो आलोचना करते रहते हैं, ये तो हमसे दाग लगाना चाहते हैं, तो उनकी बातें क्या सुनना, 25 के चुनाव में हड़बड़ाए हुए हैं, कोई काम बता दिए, कहते हो ये बहुत अच्छा काम है, पूरा देश दुनिया ने कहा, उन्होंने नहीं कहे, चूँकि हड़बड़ी है बिहार के अंदर, प्राइवेट कंपनी बनाकर बिहार को कमजोर करना, बिहार नुकसान करना, इसलिए उनकी बात को बहुत ज़्यादा हम लोग सीरियस गंभीर नहीं लेते हैं, जनता के सामने चलेंगे, जनता जवाब देगी, मैं यही कहूँगा। अच्छा, जेडीयू राज्य कार्यकारिणी के गठन की है, उसमें अशोक चौधरी जी का नाम नहीं है, नहीं तो अशोक चौधरी उनके साथ नीतीश कुमार के साथ काहे की तरह रहते थे, आज का नहीं, आज भी साथ में सब लोग साथ में, ये सब लोग साथ में, कोई बात थोड़ी है भाई, जो मेरा लीडर है, जो नेता है, हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, जो उनका निर्णय होगा हम सबका निर्णय होगा, लाइन में लिखा हुआ है विधानमंडल के सभी सदस्य, सभी सदस्य सभी लोग हैं।
नीचे साफ लिखा हुआ उसमें छोड़ो ना, तुम इन्हीं को बोलो है। एक प्राइवेट कंपनी बनाकर बिहार को लूटना चाहते थे, वो जनता समझ चुकी है, जनता 25 में उनको जवाब भी देगी। चलिए कहीं उनको मिल तो रहा नहीं कुछ, कोई बिहार के अंदर कुछ तो नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि बाहरी लोग आके जम्मू कश्मीर में कब्जा करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर छीनना चाहती है। अपने मुँह से जो बोलना है लोग बोले, उधर उनका मैं जवाब नहीं देना चाहता। ये मैं जानता हूँ जनता मालिक है, जनता चुनाव जिताती है, जनता जिसको चाहती है इसको लाइक करती है, जिसको पसंद करती है वो जनता वोट सपोर्ट करती है, वो सामने आ जाएगा। बाकी उनका जवाब बहुत देना हम नहीं समझते। तो जैसा कि आपने सुना जमा खान ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव अब सिर्फ ट्वीट कर सकते हैं, उनके सिवाय अब उनके पास कोई काम नहीं है, चूँकि उन्हें ये भी याद नहीं है कि उनके माता पिता के कार्यकाल में बिहार की स्थिति क्या हो रही थी। इसके साथ ही उन्होंने बीमा भारती पर भी जमकर हमला किया है और कहा है कि बीमा भारती जिस तरह से बोल रही हैं कि वो एक एक कर सभी एनडीए नेताओं की पोल खोल देंगे, तो उनके लिए वो स्वतंत्र हैं और वो करके दिखाएं। क्योंकि नीतीश कुमार का साफ कहना है कि जो भी गलत करते हैं उसे ना हम बचाते हैं और ना फंसाते हैं। अगर बीमा भारती का यह बयान है कि वो सबकी पोल खोल देंगे तो उसके लिए वो स्वतंत्र है और खोल करके दिखाएं। जैसा कि आपने सुना कि तेजस्वी यादव पर ट्वीट करते हुए कहा है कि आने वाले चुनाव में राज्य की जनता उन्हें कड़ी सबक सिखाएगी और एनडीए फुल बहुमत से माने पूर्ण बहुमत से एक बार सरकार बनाने में सफल होगी। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज पटना।